हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल ओवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है अयोध्या क्लासेस। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेट ऑफ बर्थ और एज किस तरीके से ट्रिक के थ्रू हमको पता करना है। दोस्तों, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों के सामने जीनियस बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, जान लेते हैं हमारी की मैजिकल मैथ ट्रिक नंबर 1 क्या है। तो दोस्तों, आपको इसमें करना क्या है, जो आपका बर्थ मंथ है उस मंथ के नंबर को आप ले लीजिए। सपोज आपका मंथ अगर अगस्त है तो आपको क्या लेना है दोस्तों, 8 लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, उस नंबर में 2 को ऐड कर दीजिए। ओके, 2 को ऐड करने के बाद उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप कितने का, 200 का। ओके दोस्तों, इतना करने के बाद जो आपका आंसर आया है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको दोस्तों, 400 को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दोस्तों स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ उसके नंबर ऑफ डेज यानी कि उस डेट को आप ऐड कर देंगे उसमें। ओके, उस तारीख को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, उस डेट को फिर से ऐड कर दीजिए उस नंबर में दोस्तों। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 6 में जो आपका आंसर आया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे दोस्तों, 5000 से। ओके, अब जो आपका आंसर आया हुआ है उसमें आपका जो एयर है, ओके, जो बर्थ एयर है उसके 4 डिजिट का जो एयर है उसको ऐड कर देंगे। ओके दोस्तों, कर दिया बस दोस्तों। अब क्या था है? आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों वो आपका मंथ है, इसके बाद आपकी डेट है, और लास्ट में जो 4 डिजिट्स हैं दोस्तों वो आपके एयर हैं। ओके, है ना इंटरेस्टिंग। दोस्तों, ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे मैजिकल मैथ ट्रिक नंबर 2 पर। दोस्तों, ये ट्रिक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपके बिना बताए आपकी एज को बता सकता हूँ, और आप भी अपने दोस्तों के ऊपर इस ट्रिक को अप्लाई करके उनकी एज को पता कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपकी एज है उसमें से जो 10th प्लेस डिजिट जो है दोस्तों उसको आप ले लीजिए। सपोज अगर आपकी एज 25 है तो आप उसमें से 2 को ले लेंगे। ओके, चलिए अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है दोस्तों, जो उस 10th प्लेस वाली डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप नंबर 3 में जो आपका आंसर आया उसमें 4 को ऐड कर देंगे दोस्तों। ओके, कर लिया इतना। चलिए अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, जो आपका आंसर आया है दोस्तों उसको डबल कर दीजिए। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, आपको आपका आंसर डबल करने के बाद स्टेप नंबर 5 में जो आपकी एज थी उसके 1th प्लेस वाले डिजिट को क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। ओके, जैसे हमारे एज अगर 25 थी तो 2 हमने पहले ले लिया था, तो क्या बचा था, 5 बचा था, तो हम 5 को इसमें ऐड कर देंगे। ओके दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अपने दोस्त से पूछना है कि आप टोटल बताओ कितना आया। ओके, आपका फ्रेंड आपके टोटल बताएगा कि कितना उसका टोटल आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो आपका आंसर आया है उसमें से 8 को आप माइनस कर देंगे दोस्तों, बस 8 माइनस करने के बाद आपका आंसर आपके सामने है। तो है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं मैजिकल मैथ ट्रिक नंबर 3 पर। दोस्तों, ये ट्रिक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए जान लेते हैं कैसे। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 259 में मल्टीप्लाई करेंगे आपकी एज का। ओके, और फिर उसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किसका दोस्तों, हम 39 का। तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग नंबर देखने के लिए मिलेगा। चलिए करके देखिए और हमें बताइए कि आपका नंबर क्या आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।